नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी 360 में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोरल रीफ्स के रिलेटेड थ्योरी, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसिस्टेंस थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन के जो है तीन थ्योरीज है, उसमें एक थ्योरी है सबसिस्टेंस थ्योरी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसिस्टेंस थ्योरी, जैसे कि मैंने बोला, तीन थ्योरी है। पहला सबसिस्टेंस थ्योरी, दूसरा है स्टैंड स्टिल थ्योरी, और तीसरा है ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी, राइट। और देखो, ये थ्योरीज जो है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें है। क्यों? क्योंकि देखो, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जो जियोमॉर्फोलॉजी में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, तो उसके भी कॉन्सेप्ट से हम लोग लेंगे। कैसे? क्योंकि प्लियोस्टेसीन पीरियड जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था सी लेवल चेंजेस होते हैं, राइट। तो उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम लोगों को इंक्लूड करने पड़ेंगे, राइट। कहीं ना कहीं जब भी यहाँ पे बोला गया है सब्सिस्टेंस या फिर स्टैंडस्टिल थ्योरी में, दैट स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ लैंड जो है एक बहुत मेजर फैक्टर निभाता है, राइट। तो अगेन आज हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अलग अलग क्लासेस में आपको ये सारे भी डिस्कस मिल जाएंगे। और कभी भी अगर आपको बाई चांस कभी फ्यूचर में पढ़ना हो, तो आप डायरेक्टली सब्सिस्टेंस थ्योरी और सिंपली यूपीएससी 360 क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ये लेसन्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला देख लेते हैं सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ डार्विन जी ने, चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा ये सबसिस्टेंस थ्योरी दिया गया था 1837 को। बाद में इन्होंने इस थ्योरी को 5 साल बाद मॉडिफाई भी किया 1842 में। और इन्होंने एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, जैसे कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स तो पता है ना क्या होता है, राइट। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द जो है एक स्केलेटन फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट। और ये स्केलेटन जो है कैल्शियम का होता है, और ये कैल्शियम उन्हें मिलता कहाँ से है, ये जो वाटर बॉडीज है ना, वाटर से जो कैल्शियम है उसको एक्सट्रैक्ट करके वो स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। एनीवेज, वो सब तो चीजें देखो आप बेसिक्स ऑफ, जब भी आप पढ़ोगे कोरल रीफ्स तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। बट इन्होंने जो सबसिस्टेंस थ्योरी दिया, उसमें इन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया दैट ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ना, ये सिर्फ शैलो वाटर में ही रह सकते हैं। जैसे सोचो ये वाटर बॉडी है, राइट, और ये इतना वाटर लेवल है, तो कोरल पॉलिप्स जो है ज्यादातर शैलो वाटर में ही रह सकते हैं। अच्छा, और ये कोरल पॉलिप्स जब इकट्ठा होके एक साथ जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, तब वो कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो कोरल पॉलिप्स, जैसा कि मैंने कहा दैट ये जो है आपका लैंड शैलो वाटर, ओशनिक वाटर में ही रह सकते हैं, बट वहीं पर कोरल रीफ्स अगर देख लीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रेटर डेप्थ तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट वहीं पर कोरल पॉलिप्स जो है वो ग्रेटर डेप्थ तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ऑलराइट। ये चीज उनका ऑब्जर्वेशन था। उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने पोस्टुलेट किया दैट देखो भैया, लैंड या फिर आइलैंड जो होता है ना, ये स्टेशनरी नहीं होता, है ना, बल्कि ये ग्रेजुअली सबसिस्टेंस होता रहता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अर्थ, और उसी के कारण हम लोग को जो है सब्सिक्वेंटली फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल्स देखने को मिलता है एट अ वेरी सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ ये क्या होता है भाई, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल रीफ, ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने। देखो क्या होता है ना, फ्रिंजिंग रीफ, जैसे फ्रिंजिंग रीफ ले लो, ये सोचो आइलैंड है, ठीक है, ये वाला आइलैंड है, ठीक है, और ये वाला जो है ना ये वाटर बॉडी है। तो देखो आइलैंड के जो इर्द गिर्द ये वाला रीजन जो है ना, डॉट डॉट डॉट, ये जो देख रहे हो ये रीफ्स है जो क्या एकदम आइलैंड से सटे हुए हैं, इसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। तो ये तो खैर टॉप व्यू है, बट ये अगर क्रॉस सेक्शन व्यू अगर देख लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब इस लैंड को अगर आधा से चाकू से काट दोगे या फिर कुसी से काट दोगे तो कुछ ऐसा आपको व्यू मिलेगा, दैट यहाँ पर भी जो है सागर आपको मिल रहा है, यहाँ पर इस टाइप से जो है आपको कोरल मिलेगा, और इसको जो है ना कोरल पॉलिप्स का एक्यूमुलेशन है यहाँ पे, जिसको हम लोग टोटली फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। बैरियर रीफ किसको कहते हैं? देखो जब फ्रिंजिंग रीफ के बीच वाला जो ये पोर्शन जब हल्का हो जाएगा ना, ये पोर्शन खाली हो जाएगा जहां पर वाटर जम जाएगा, देख रहे हो यहां पर भी वाटर है और ये जो है कोरल रीफ्स है, तो ये वाला जो सिचुएशन आता है ये बैरियर रीफ का कहलाता है। और अटोल क्या सिचुएशन होता है? अटोल सिचुएशन होता है जब ये जो लैंड मास है ना और भी नीचे धंस जाता है। देखो यहाँ पे लैंड मास पूरा ऊपर है, अब वही लैंड मास जब और भी ज्यादा सबसाइड किया तो ये नीचे आएगा, ठीक है। अब ये जब नीचे आएगा ना, तो अब देखो ये कोरल जो है ना ये ऊपर भागने का कोशिश करेगा लेकिन, ठीक है, और ये जो है आपके अलोंग द मार्जिन्स ऑफ दिस ओशन बीचेस ये ज़्यादा नहीं भागता है, बट अलोंग द साइड रेंजेस जो है ये बहुत तगड़े तरीके से भागता है। इसलिए हमें दिख रहा है साइड रीजन में जो है स्लोप काफ़ी ज़्यादा स्टीप बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अटोल्स का फॉर्मेशन क्या होता है? अटोल्स का फॉर्मेशन जब यहाँ देखो, यहाँ पर तो लैंड सबसाइड किया तो बैरियर रीफ बना, जब ये और भी ज़्यादा सबसाइड करेगा ना तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, है ना।
अब देखो ये जो सबसाइड कर रहा है, ऐसा नहीं दैट अचानक से एक दिन में या फिर एक सेकंड में सबसाइड कर गया, नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे सबसाइड होता है, तो धीरे धीरे जो है ना इसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ये रीफ को, है ना। और ये तो आपका जाके यू नो शैलो वाटर रीजन है, तो ये रीफ तो आराम से रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जैसे ग्रेजुअली सबसाइड करता है, वैसे ही जो है ये रीफ भी ग्रेजुअली जो है ये ऊपर भागते रहता है, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अटोल्स, ठीक है। वही चीज इनके द्वारा कहा गया, इनके द्वारा तीन स्टेजेस बताए गए बेसिकली कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन के, एक स्टेज, दो स्टेज और तीसरा स्टेज। पहला स्टेज में इन्होंने बोला था देखो ये जो छोटे छोटे कोरल पॉलिप जो होते हैं ना वो आपस में एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आपस में फ्लॉक टुगेदर होता जाते हैं अलोंग अ सूटेबल सबमरीन प्लेटफॉर्म जहां पर वो रह सकते हैं। जैसे जैसे ये वाला देखो, ये वाला सिचुएशन में जो है, पहला वाला सिचुएशन में आपका कोरल पॉलिप जो है एक जगह फ्लॉक टुगेदर हो गया है ना, और ये रीजन जो है काफी ज्यादा शैलो रीजन भी है, राइट। तो इसीलिए ये वैसा ही जगह में आपका फ्लॉक टुगेदर होता है जहां पे इसको सूटेबल प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है। और ये अपवर्ड ग्रो करते रहता है, जैसे सोचो यहां पे वाटर लेवल है, ठीक है, यहां पर एक सूटेबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर सोचो कोरल पॉलिप्स ग्रो किया रहा है, तो ये जो है ऊपर भागते रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको जितना कम शैलोनेस होगा उतना ज्यादा प्रॉपर तरीके से इनको सन का रेज भी मिल पाएगा। देखो अल्टीमेटली सन रेज इनको भी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, राइट। तो ये भी जरूरत है, इसीलिए जो है ना ये ग्रो करता है अपवर्ड, जो क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ बात के बाद जो है सी लेवल में पहुंच जाता है। ये देखो ये जो है सी लेवल है, ठीक है, और जिसके कारण जो है फ्रिंजिंग रीफ फॉर्म होता है। अच्छा ये फ्रिंजिंग रीफ क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि इसके साथ साथ जो है ये जो धस भी रहा है, इसीलिए देखो ये और भी धसा, तो इसीलिए जो है ये ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो, इसीलिए फ्रिंजिंग रीफ फॉर्म होता है। सॉरी फ्रिंजिंग रीफ तो ये वाला बैरियर रीफ, माफ कीजिएगा, यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ फॉर्म होता है जिसके कारण जो है, और ये उस कंडीशन ऑफ में फॉर्म होता है जब लैंड स्टेबल हो, ठीक है। अच्छा अब दूसरा कंडीशन जहां पर ये वाला रीफ दैट इज बैरियर रीफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बैरियर रीफ का फॉर्मेशन होता है जब लैंड जो है फर्दर सबसाइड, फर्दर नीचे जाएगा ना टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण, तो तब क्या होता है कोरल पॉलिप्स भी नीचे आता है ना। जब कोरल पॉलिप्स नीचे आएगा ग्रेटर डेप्थ में पहुंचेगा, तो अब देखो ज्यादा नीचे तो कोरल सर्वाइव नहीं कर सकता ना, इसीलिए ये कोरल जो है सब समय ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये जो ऊपर भागेगा ना फास्टर रेट में भागेगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे में आ गया ना, इसको तो ऊपर जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉपर तरीके से इसको खाना बनाने के लिए यू नो इंग्रेडिएंट्स इसको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फास्टर रेट से ऊपर भागता है जिससे ये सर्वाइव अपने आप को करवा सके। और पॉलिप्स का जो ग्रोथ यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये शोर रीजन के जो इस रीजन के सामने में जो है ज्यादा नहीं होता है, इस रीजन में इनफैक्ट रिटार्डेड होता है, बट वहीं पर आउटर एजेस में अगर देख लीजिएगा काफी ज्यादा तगड़े तरीके से भागता है, इसीलिए जो है बीच में जो है ना यहां पर लगून फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा आप ये भी पूछेगा दैट यहां पर क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो इस रीजन में इसलिए ज्यादा नहीं होता ना, क्योंकि यहां से जो है अल्टीमेटली पानी आता है ना, लैंड के रीजन से भी तो पानी आएगा ना, उसके कारण जो है इस रीजन में जो है थोड़ा ज्यादा क्लीन वाटर हो जाता है। देखो कोरल को भी, जब कोरल के बेसिक्स पढ़िएगा ना तो वहां पे क्लियरली मैंने समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं समझा तो नीचे मैं पीडीएफ का लिंक दे दे रहा हूँ, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसमें प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है दैट कैसे ये रीजन में जो है आपका कोरल फॉर्म, मतलब बीच वाले साइड के रीजन जो है ना नियर द शोर रीजन, वहां पर कोरल फॉर्मेशन नहीं होता, बट इस रीजन में जो है प्रॉपर कोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसलिए बीच में लगून का फॉर्मेशन हो जाता है। वही जो चीज देख रहे हैं ना, ये देखो ये जो कोरल बना ये यहां पे बना, तो बीच वाला जो रीजन है ये क्या हुआ, लगून हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे वाटर बॉडी है, ठीक है, ओके। अब तीसरा स्टेज में इन्होंने बोला था देखो ये जो लैंड हुआ ये फर्दर और भी सबसाइड कर जाता है नीचे, है ना, और जब नीचे सबसाइड करता है तो आइलैंड ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, है ना। तो अब क्या होता है दैट कोरल रीफ जो है अब और भी ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस रीजन में जो है एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके कारण हमें अटोल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला था देखो भैया ये जो हम लोग जो सबसाइड बोल रहे हैं ना, पहला स्टेज जहां पर फ्रिंजिंग रीफ था, उसके बाद दूसरा स्टेज जहां पर बैरियर, और तीसरा जगह में अटोल, तो ये जो ग्रेजुअल सब्सिडेंस हुआ अचानक से नहीं हो जाता, सडन भी नहीं होता, रैपिड नहीं होता, बल्कि ये ग्रेजुअल एक फॉर्मेशन है, स्लोअर रेट से जो है लैंड सबसाइड करता रहता है। और लगून जो बीच में फॉर्मेशन होता है ना उसका भी डेप्थ ज्यादा नहीं बढ़ता है,
ठीक है, देखो वैसे तो ग्रेजुअली सबसाइड कर रहा है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लगून भी जो है लगून का भी डेप्थ बढ़ना चाहिए था, बट वो चीज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली सेडिमेंटेशंस भी हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो लगून का जो है और भी नीचे जाना चाहिए था ना। इसका जो डेप्थ है, ये वाला हुआ डेप्थ इसका, ठीक है, ये और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए था, ये प्रोबेबली इतना आना चाहिए था, बट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो रीजन नीचे से देखो ये जो कोरल है वो फॉर्मेशन होता है वो ऊपर जाता है, बट साथ ही साथ ऊपर से जो है ना यहाँ पे कुछ कुछ कोरल जो है मर भी जाते हैं, ठीक है, तो उसके सेडिमेंटेशंस के कारण भी जो है जम जम जाता है यहाँ पे सेडिमेंट, है ना, तो इसके कारण भी जो है ये वाला डेप्थ जो है ज्यादा बढ़ता हुआ हमें नहीं दिखता है, बट कि कम ही दिखता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके एविडेंसेस में आ जाता है दैट ठीक है डार्विन जी ने जो बोला ये क्या ये सही है, तो देखो कैसे नहीं सही है भैया। यहाँ पे इन्होंने बोला दैट देखो कोई भी अगर लगून देख लोगे ना तो लगून यूजुअली शैलो होते हैं, ठीक है, अब अगर अगर लैंड स्टेबल होता तो लगून तो पूरा फिलअप हो जाता बाई सेडिमेंटेशन, तो ये तो सैलोनेस तो होता ही नहीं, बट सैलोनेस इसलिए है क्योंकि देखो सेडिमेंटेशन होते रहता है, ऐसा इन्होंने नहीं बोला दैट सेडिमेंटेशन नहीं होता है, बट सेडिमेंटेशन के साथ साथ जो है ना ये वाला लैंड भी नीचे नीचे ग्रेजुअली सबसाइड धीरे धीरे होते रहता है ना, अब लैंड भी सबसाइड हो रहा है, अब सेडिमेंटेशन भी हो रहा है ऊपर से, है ना, तो इसीलिए ये डेप्थ जो है ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। दूसरा दूसरा इन्होंने बोला दैट देखो भैया क्लिफ्स जो है ना वो बेसिकली एब्सेंस होते हैं और ये कहीं ना कहीं वैलिडेट कर रहा है द आइडिया ऑफ सबसिस्टेंस ऑफ लैंड। अब देखो क्लिफ किसको कहते हैं, जैसे सोचो ये वाला वाटर बॉडी है आपका, ठीक है, अचानक से आप कभी देखे हो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में एक बड़ा सा पहाड़ टाइप का बना हुआ है, तो उसको बेसिकली क्लिफ कहते हैं, एकदम जिसका स्टीप वॉल होता है ना, ये हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में भी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना दैट क्लिफ जो है अगर सोचो ये सबसाइड नहीं होता, ठीक है, तो क्लिफ जो है वो प्रेजेंस होता है ना, बट क्लिफ जो है बहुत समय देखने को मिलता है जहां पर कोरल रीजन हमें मिलता है ना, कोरल आइलैंड्स, वहां पर क्लिफ एब्सेंस होते हैं। इसका मतलब क्या, क्लिफ्स इसलिए एब्सेंस होता है क्योंकि वहां का लैंड ग्रेजुअली सबसाइड कर रहा है, ठीक है, अगर सोचो वहां पे सबसिस्टेंस होता नहीं, ध्यान से सोचना, अगर सोचो इस रीजन में सबसिस्टेंस होता ही नहीं, ठीक है, तब तो आपका जाके क्लिफ्स का प्रेजेंस होना का प्रोबेबिलिटी हमें मिलता, बट क्योंकि हम ये बोल पा रहे दैट हाँ लैंड सबसाइड होता है इसलिए जहां पर भी कोरल रीजन हमें मिलते हैं वहां पर जो है क्लिफ्स का प्रेजेंस हमें नहीं मिलता है, बल्कि देयर इज एब्सेंस ऑफ सी क्लिफ्स, राइट। नेक्स्ट इज आइलैंड्स विद अटोल्स आर वेरी स्टीप, ठीक है, जिसके कारण जिसके तहत जो है आप मतलब वो जो आइलैंड्स है ना जहां पर अटोल्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पर चारों तरफ से एक रिंग बना हुआ रहता है जो, ठीक है, वैसे आइलैंड का मैं बात कर रहा हूं, तो उन आइलैंड्स में अगर आप देखिएगा तो आइलैंड्स जो है काफी ज्यादा स्टीप स्लोप्स के होते हैं, ठीक है, और इस ये जो कहीं ना कहीं बताता है दैट हाँ भैया लैंड सबसाइड कर रहा है, क्योंकि आइलैंड्स अगर स्टीप स्लोप के अगर ग्रेजुअल स्लोप के होते तो आप प्रॉब्ली ये बोल सकते हैं दैट लैंड्स के इर्द गिर्द भी सेडिमेंट्स का जमावड़ा होता, इसलिए जो है इसका स्लोपनेस जो है ज्यादा स्टीप नहीं है, बट यहां पर हमें देखने को मिलता है दैट आइलैंड्स जो होते हैं जो इनके पास अटोल्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टीप है। इसका मतलब ये जरूर बोल सकते हैं दैट देखो अटोल जो है सब समय ऐसा नहीं दैट बीच में लगून ही फॉर्मेशन होता है, ऐसा भी होता है बीच में आइलैंड वाला भी अटोल होता है, ठीक है, वो वाला आइलैंड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये स्टीप इसलिए हो रहा है जिसका जिसके आधार पर ये बोल सकते हैं दैट हाँ भैया लैंड डू सबसाइड। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ कोरल रीफ्स। अब देखो क्या होता है ना दैट जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे कोरल नीचे जाओगे, जैसे हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था, जैसे ये सोचो आपका कोरल अटोल्स है, ठीक है, तो अटोल्स भी कुछ ऐसे फॉर्मेशन होते हैं ना, अगर बीच में अगर ये पहाड़ था पहले सोचो, है तो ये अगर अटोल वाला फॉर्मेशन हुआ तो आप क्लियरली देख रहे हो ऊपर में जो है ये थोड़ा पतला रहेगा, बट जैसे बॉटम में जाता रहता है ना इसकी मोटापा बढ़ता रहता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट रिवील करता है दैट देखो भैया कोरल जो थे शायद पहले इस बेस में रहे होंगे जो क्या ऊपर रहा होगा रिस्पेक्टिवली, है ना, बट जैसे ये लैंड सबसाइड कर रहा है वैसे जो है इसका रीजन भी जो है बढ़ता रह रहा है, समझ लो बात, तो ये कहीं ना कहीं बताता है दैट देखो भैया लैंड जो है वो सबसाइड कर रहा है, लैंड का जो बेस है वो सबसाइड कर रहा है, इसीलिए कोरल की थिकनेस जो है वो डाउनवर्ड जैसे आप जाओगे वो बढ़ते रहती है, ठीक है। चलो अब इस थ्योरी के इवोल्यूशन देखते हैं, तो देखो ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो आपको ये दिखेगा दैट फ्रिंजिंग रीफ और बैरियर रीफ जो है वो इधर साइड्स ऑफ सेम आइलैंड में जो है आपका
नहीं मिलता है। मतलब ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये मिला है दैट बहुत समय, अगर सोचो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी से, दैट जब लैंड ऊपर रहेगा तब हमें फ्रिंजिंग रीफ मिलेगा, जब लैंड और भी ज़्यादा धस गया, सोचो मतलब ये सेकंड वाला सिचुएशन में, पहला वाला सिचुएशन में फ्रिंजिंग रीफ होता है ऐसा, सेकंड वाला सिचुएशन में बैरियर रीफ होता है, और तीसरा वाला सिचुएशन में जब और भी धस जाएगा तब कहीं ना कहीं अटोल हमें फॉर्मेशन हुआ होता हुआ दिखता है। ठीक है, अब अच्छा बहुत समय ऐसा दिखता है दैट कोई आइलैंड के जो है एक साइड में तो आपका फ्रिंजिंग रीफ बना हुआ है बट दूसरे साइड में जो है बैरियर रीफ बना हुआ है। तो आप खुद सोचो अगर लैंड अगर सबसाइड कर रहा है तो एक ही रेट से ना करेगा, ऐसा थोड़ा ना दैट यहाँ पर ज़्यादा सबसाइड कर गया इस रीजन में धीरे धीरे करेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जाए, अगर ऑब्जर्वेशन से ये पाया गया है दैट एक तरफ जो है आइलैंड का फ्रिंजिंग रीफ है, दूसरे तरफ जो आइलैंड का वो बैरियर रीफ है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है डार्विन के थ्री स्टेज ग्रोथ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कोरल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरा जो है इवोल्यूशन के आधार पर इनमें बोला गया है, देखो भैया एविडेंसेस हमें मिलते हैं जहां पर हमें पाया गया है दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद इमर्जिंग आइलैंड्स। देखो ये जो है ना बहुत समय ऐसे भी कोरल रीफ्स हमें मिलते हैं जो जहां पर आइलैंड जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, वो हमें सैटेलाइट डेटा या फिर वेरियस जियोलॉजिकल डेटा के आधार पर हमें पता चलता है। तो यार डार्विन जी ने क्या बोला था, इन्होंने तो ये बोला था ना दैट वहां पर ही फॉर्म होता है जहां पर सबसाइड कर रहा है, तो ये वाला थ्योरी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें इवेल्युएशन थ्योरी के आधार पर, आई मीन आप इसको प्रॉपरली तरीके से इवेल्युएट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है दैट ये डायग्राम क्या है, देखो यही वाला डायग्राम है, इसी डायग्राम को जो है आप या तो ये वाला डायग्राम बनाओ इसको आपको आसानी होगी, या फिर ये डायग्राम भी बना सकते हो जो कि अगेन आपको आसानी होगी। ये वाला सिचुएशन जो है, पहला वाला सिचुएशन जो है ना, ये वाला, ये केस वन है जहां पर आपका लैंड इतना ऊपर है ठीक है, और आपका जाके यहाँ पर जो है फ्रिंजिंग रीफ बना है। ये केस टू है, ये वाला केस जो है, ये वाला केस टू है ठीक है, जहां पर देखो इसको आप नीचे से नहीं दिखा सकते हैं, तो एक फिगर में बनाने के लिए इसको ऊपर दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, आपका सब समझ जाना पड़ेगा। तो जहां लैंड और भी धस गया तो ऑटोमेटिकली जो है इसके आउटर एजेस जो है वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे, ये वाला रीजन ठीक है, बट इसका इस वाला जो रीजन है ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से वाटर भी गिर रहा होगा जो क्या क्लीन वाटर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो है प्रॉपर कोरल का ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलता है। तीसरा सिचुएशन जब और भी नीचे धस जाता है, दैट इज ये वाला सिचुएशन ठीक है, जहां पर आइलैंड जो है नीचे चला गया है ठीक है, और देखो साथ ही साथ जो है कोरल का जो है ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, बट यहां पर ये भी हमें देखने को मिल रहा है दैट बेस वाला रीजन अगर देखोगे तो यहां पे ज्यादा फैलाया हुआ है कोरल का रीजन। देखो बेस वाला अगर रीजन हम मान ले तो देखो इसमें कितना रीजन है, इतना रीजन तक कोरल होगा ठीक है, क्योंकि इसके चारों ओर इधर भी तो कोरल होगा, वो तो हमें दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट बनाया, बट जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये वाला जो है चौड़ाई वो घटता रहता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आई मीन डार्विन्स के थ्योरी के आधार पर ही इन पिक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको पूरा फुल चैप्टर का ही पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।